एक्सरसाइज 2.6 आपके दे रखा है, हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसा लिखेंगे हम 8x माइनस 3 अपॉन में 3x। यहाँ पर ये 2 का 2 है ही, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं अपन, हम 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं हो तो 1 तो होता ही है हमेशा। अब यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करना है 8x माइनस 3 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई ये तभी करते हैं जब इधर भी सिंगल नंबर हो, इधर भी सिंगल नंबर हो। ये जो फ्रैक्शन है ना वो एक नंबर पर ही है, ये पूरा एक सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8x माइनस 3, इधर आएगा आपके 6x आ जाए। अब x एक तरफ और नंबर आपके एक तरफ, कैसे लिखना है, प्लस का इधर भेज दो माइनस का, माइनस का इधर ट्रांसफर करो प्लस में, जैसे ही माइनस करेंगे ये आता है आपके 2x और ये आता है आपके 3, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो x का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन में, ऐसे ही आपको सबको करना। अब देखो यहाँ समझ में नहीं आया तो यहाँ देख लो, तो सिंपल सा है, यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं। ये हो गया आपके 9x और डिवाइड में है 7 माइनस 6x। देखो ये जो लाइन है ना इतनी बड़ी है, ये पूरा एक सिंगल नंबर है, इधर आपके दे रखा है 15, कुछ नहीं है, डिवाइड में कितना मान लो 1 मान लेते। अब यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले करो या इसको पहले करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब यहां मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई दिखाने की जरूरत नहीं, आपकी इच्छा तो डायरेक्ट 9x लिख दो। इधर हो जाएगा 15 7 जा 105 और प्लस माइनस माइनस 15 6 जा होता है 90x। अब x एक तरफ नंबर एक तरफ, प्लस माइनस का है इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, इधर आपके रिमेंड बचा हुआ है 105, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये होता है 99x, इधर है आपके 105। अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, डिवाइड भेज दो तो ये होता है 105 अपॉन 99। अब दोनों में आपके 3 का डिवाइड जा रहा है, जो डिवाइड जा रहा है वो आप दे सकते हो, पहले दोनों में 3 का डिवाइड देते हैं, इसमें 3 का डिवाइड जाता है 33 टाइम और इसमें जाता है आपके 35 टाइम, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं उधर की साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9 को मल्टीप्लाई करना है z से और 4 को मल्टीप्लाई करना है इससे, करो मल्टीप्लाई 9 into z 9z, 4 into z 4z, 4 into 15 करें कितना आता है 60 आता। अब z एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का 4 इधर भेज दो माइनस का हो जाए, जैसे ही दोनों को माइनस करेंगे दिया आएगा आपके 5z, मल्टीपल का जाएगा इधर आपके डिवाइड में, डिवाइड करो रफ में डिवाइड कर देना, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 12 टाइम, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके 12। नेक्स्ट है यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है इसलिए यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3y प्लस 4 से,
इस टू को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, टू से भी करेंगे एंड माइनस के सिक्स वाई से भी करेंगे। इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर होता है 5 3 15y प्लस 5 4 होता है 20। यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 6 2 12y। अब भाई एक तरफ नंबर्स आपके, एक तरफ ऐसे आपको लेना। हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, वाई वाई एक तरफ प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और ये आपके प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा। वाई नहीं, ओनली 20। अब ये तो हो गया आपके प्लस का 3y और ये हो गया आपके माइनस का 24। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, y का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 24 अपॉन में 3, करो डिवाइड, डिवाइड जाएगा आपके 8 टाइम, और यहाँ पर आएगा आपके माइनस, ये आया है माइनस का 8 y का वैल्यू। अब करते हैं उधर, यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7y प्लस 4 से। आप चाहो तो पहले ये करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इक्वल, यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4 को मल्टीप्लाई करना है वाई प्लस 2 से, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 21y, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 12। अब वहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4y प्लस माइनस माइनस 4 2 8। अब y एक तरफ, नंबर से एक तरफ, माइनस का इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, इधर बचा हुआ है माइनस का 8 और ये प्लस का 20 है, उधर सेंड कर दो माइनस का 20 हो जाए 12, कितना है 12 है, ये प्लस का 12 है, उधर भेजेंगे माइनस का 12 हो जाए। अब ये होता है, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा प्लस का 25y और ये हो चुका है आपके माइनस का 20। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, y का वैल्यू आएगा माइनस का 20 अपॉन माइनस का प्लस का, ये प्लस का इधर भेजेंगे, प्लस का ही रहेगा, मल्टीपल का डिवाइड जाता है, साइन चेंज नहीं होता है, दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, प्लस माइनस माइनस 5 का डिवाइड 4 टाइम, 5 का डिवाइड 5 टाइम, तो माइनस का 4/5 ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, एज ऑफ हरी एंड हैरी, हरी और हैरी दो व्यक्ति है, उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन एग्जाम में आता है चैप्टर नंबर 2 में से। फॉर एवरी 4 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 4 साल बाद इन दोनों का रेशियो इतना हो जाएगा, तो बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या थी, वो जो रेशियो है ना इसमें एज कितनी थी बतानी है हमें। तो यहां पर हमें लेना है एज ऑफ हरी एंड हैरी, हरी एंड हैरी, कितना दे रखा भाई आपके 5:7 दे रखा, इनका रेशियो को अनुपात दे रखा आपके। जब भी रेशियो दे रखा है तो उसके पीछे एक्स वगैरह कुछ भी मान लो, तो हमें यहां पर लेना है लेट एज ऑफ हरी, माना कि हरी की जो एज है वो इसके हिसाब से लेना, मतलब 5:7 का मतलब हो गया इसकी 5x, इसकी 7x, इसकी है 5x और दूसरे की हो जाएगी आपके हैरी, दूसरा जो है ना हरी उसका हो जाएगा 7x, मतलब x का वैल्यू 1 रहा तो 5 और 7 का होगा, x का वैल्यू 2 रहा
तो ये 10 ईयर का और ये 14 ईयर का होगा, x का वैल्यू 3 रहा तो ये 15 ईयर का और ये 21, तो ऐसे ही हम, अब पता नहीं x का वैल्यू कितना है, जितना x का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से ही एज आएगी, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है आज से 4 साल बाद, तो हमें यहाँ पर लेना है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब हो गया आज से 4 साल बाद देयर एज, इनकी जो एज है, एज का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:4। तो पहले एज तो निकालो, एज कितनी है, तो पहले हम लेते हैं यहां पर एज ऑफ हरि, माना कि हरि की जो एज है वो हो गई है कब, 4 साल बाद, पहले कितनी थी 5x, तो 4 ईयर बाद क्या होगा, 4 साल बढ़ जाएगी, जितनी पहले थी उसमें 4 ईयर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ऐसे ही हमें लेना है एज ऑफ हैरी, ये हो जाएगा आपके पहले था 7x का, 4 ईयर बाद क्या होगा कि सबकी एज आज से 1 साल बाद, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं, सबकी एज क्या होगी 1 ईयर इंक्रीज हो जाएगी 1 साल बाद, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है वो दे रखा है 3:4, तो हमारे पास दे रखा है इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो 5x+4 एंड 7x+ का 4, इन दोनों का जो रेशियो है वो हो जाएगा आपके 3:4, इनका रेशियो ये हो जाएगा। रेशो को आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर 8 में आएगा रेशो को फ्रैक्शन में लिखना, तो ये नंबर इसके नीचे और ये नंबर इसके नीचे, ऐसे यहां से देख लो 5x+4 और ये हो गया आपके 7x+4 इक्वल हो जाएगा आपके 3:4। रेशो को ऐसे फ्रैक्शन में आप लिख सकते, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, सॉल्व करना है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 5 की तरह सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करना है 7x+4 से, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है 5x+4 से, करो मल्टीप्लाई, 7 3 21x, 3 4 12, 4 5 20x, 4 4 16, अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का इधर भेज दो माइनस में, ये प्लस का उधर भेज दो माइनस में, अब यहां पर अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 1x, इधर आता है आपके 4, मतलब x का वैल्यू हो चुका है 4। अब इसके हिसाब से हमें दोनों की एज निकालनी, तो यहां पर लेते हैं हम एज ऑफ हरी एंड हैरी, ये प्रेजेंट एज है, ये लेना है आपको, तो यहां पर हमें लेना है एज ऑफ हरी, हरी की जो एज है वो यहां पर लिखी हुई है 5x, मतलब 5 × 4 इजिकल टू आता है आपके 20 ईयर, और एक आ जाएगा आपके एज ऑफ हैरी, वो दे रखा आपके 7x, 7 × 4 इजिकल टू दे रखा आपके 28 ईयर्स, ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसा हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था 5 by 7, 2 by 3, मतलब फ्रैक्शन में कोई नंबर है उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और इस ये लिखा हुआ है इसका जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन है ना, मान लो कोई नंबर ले रहा हूँ ये नंबर, तो ये नंबर तो कहलाता है आपका न्यूमरेटर और ये नंबर कहलाता है आपका डिनोमिनेटर, तो ये बोल रहा है तो डिनोमिनेटर जो है वो नंबर मतलब न्यूमरेटर से कितना 8 ग्रेटर,
ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 एक्स्ट्रा है, 8 ज्यादा है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दे और डिनोमिनेटर को हम 1 कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो हमारा फ्रैक्शन ये बन जाता है। तो बताना है कि पहले हमारा रेशनल नंबर क्या था, सिंपल सा है, ध्यान देना है। लेट एक तो लेंगे न्यूमरेटर और एक आता है आपके डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ है यहां पर, लिख सकते हैं ये न्यूमरेटर है और ये इसका स्पेलिंग दे रखा है, लिख सकते हो। एक को तो हम मान लेते हैं एक्स और एक हो जाएगा हमारा, अगर ये एक्स है तो यहां लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 8 एक्स्ट्रा है, जितना ये होगा उससे 8 एक्स्ट्रा होगा। अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 8 हो जाएगा। अब हमें लेना है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था ऐसे फ्रैक्शन में लिखना, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो है आपका x और डिनोमिनेटर है आपका x प्लस 8। अब आगे लिखा हुआ है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज, न्यूमरेटर को हमें इंक्रीज करना है और डिनोमिनेटर को करना है डिक्रीज करना है, तो हमें यहां पर चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो भी फ्रैक्शन है उसमें क्या करना है, 17 तो इंक्रीज करना है न्यूमरेटर में, मतलब ये तो हमारा फ्रैक्शन है ही है, इसमें 17 तो ऊपर ऐड करना है और 1 आपको डिक्रीज करना है डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करने से आपको मिलेगा ये नंबर, ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2। अब ये तो होता है x प्लस 17 और ये होता है x प्लस 7, जो कि यहां पर माइनस करते ही 8 प्लस x प्लस 7 हो जाएगा और इधर आपके आ रहा है 3/2 जो लिखा हुआ है आपके। अब यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो पहले इससे कर लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 से और इस 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको x प्लस 17 से, करो मल्टीप्लाई, ये होता है 3x प्लस 3 7 जा 21। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है आपके 2x प्लस 17 2 जा 34। x एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का इधर भेज दो माइनस, प्लस का उधर भेज दो माइनस, ट्रांसफर करना है इधर उधर। आप यहां माइनस करने पर आता है 1x और यहां माइनस करने पर आता है 13, ये आ गया आपके x का वैल्यू और x क्या है आपका न्यूमरेटर है, तो ये आ चुका है आपका न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर। अब लेते हैं हम यहां पर डिनोमिनेटर, ये है x प्लस 8, जितना x का वैल्यू है ना उसमें आप 8 ऐड कर लो, ये होता है आपके 21। अब हमें लेना है वो रेशनल नंबर, तो अब हमें लेना है रेशनल नंबर और वो हो जाएगा अभी कितना आपके, ये दोनों फ्रैक्शन लिखना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ये रहा डिनोमिनेटर ये रहा, 13/21 और ये हो जाएगा इसका आंसर।